नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं एक और रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बंगाली वेज रेसिपी शुक्तो। तो शुक्तो बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे सब्जी चाहिए। तो वो सब्जी है आलू, ड्रमस्टिक, बरबटी, गाजर, बैंगन, पपीता, कच्चा केला, शकरकंद, करेला, सीम, बोड़ी, और मसाले में हम लोगों को चाहिए अदरक 5 फोड़न, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, रांधुनी, रांधुनी मास्टर शुक्तो लिए जिसे अजमोद बोला जाता है वो चाहिए, पीली सरसों, काली सरसों, पॉपी सीड्स, ये सारे मसाले में हम लोगों को चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है उन सारों को मैंने अच्छे से धो लिया है, फिर उसको टावल से हमने पोंछ लिया है और उसको लंबे लंबे टुकड़ों में हम मैंने काट के रखे हैं। ये देखिए, ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काटना पड़ेगा सभी को। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ओवन पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैं 5 फोड़न डाल रही हूँ और रांधुनी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर ड्राई रोस्ट करूँगी, ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के ये मैं मिक्सर पे ग्राइंड कर रही हूँ, पाउडर बना रही हूँ। ये पाउडर बन चुका है, मुझे और एक पीस चाहिए तो उसके लिए मैंने पॉपी सीड, अदरक, काली सरसों, पीली सरसों को एक साथ मिलाकर मैं एक पेस्ट बना रही हूँ। ये देखिए, पेस्ट बन के तैयार हो चुकी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तेल भी गर्म हो चुकी है, मैं इसमें थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो दाल की बोड़ी होती है वो बोड़ी मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई हो चुकी है, मैं इसको अलग कर दे रही हूँ। फिर मैं इसी तेल में एक एक करके सारी सब्जियों को मैं हल्का फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई एक भी नहीं करना है। सब कुछ मुझे यहाँ पे सैलो फ्राई करना है। ये मैं सारी वेजिटेबल्स को सैलो फ्राई कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, उसी तेल पे मैं छोंक लगाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 5 फोड़न, रांधुनी, हल्के से स्टर करूँगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले वो वेजिटेबल्स डालूँगी जो वेजिटेबल्स पकने में टाइम लगते हैं, जैसे कि आलू, ड्रमस्टिक, कच्चा केला, गाजर, पपीता, शकरकंद, ये सारे सब्जी मैं पहले डाल रही हूँ, अच्छे से स्टर कर लूँगी। अब मैं इसमें जो पेस्ट मैंने बना के रखे थे पॉपी सीड और सरसों का जो पेस्ट, वो मैं डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसमें थोड़ी सी अलग से एक बाउल में मिल्क पाउडर ले रही हूँ, उसको पानी मिला के मैं उसको घोल बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं है। आप लोगों के पास अगर फ्रेश मिल्क होता है तो आप वो यूज़ कीजिएगा, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अगर कोकोनट का पेस्ट रहता है तो वो भी आप इसी टाइम पे डाल दीजिएगा। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सारी सब्जियों को पकने में टाइम लगेगा, तो मैं अभी इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालिएगा। ये देखिए, ये हल्का सा पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच शक्कर, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर मैं इसमें जो बाकी सब्जियाँ थी वो मैं सारे डाल दे रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी सब्जियों को। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी ताकि कुछ और टाइम ये सभी सब्जियाँ पक जाए अच्छे से। ये देखिए, ये लगभग पक चुका है। अब इसमें जो फ्राई किए गए बड़ी थी वो बड़ी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
मैं इन सब फिर से एक बार मैं ढक्कन लगाऊंगी। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट बन गया है। अब मैं उसमें ऊपर से मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, और जो मैंने जो ड्राई रोस्ट किए गए जो मसाले मैंने पाउडर बना के रखे थे वो पाउडर में ऊपर से ऐड कर रही हूँ इसी टाइम पे। मैं कुछ देर के लिए फिर से ढक्कन लगा दे रही हूँ। ये बन के तैयार हो चुका है सूप। तो ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनता है, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जियाँ इसमें ऐड होते हैं। ये समर में तो अच्छा लगता है, आप विंटर में भी खा सकते हैं। आप लोग ज़रूर बनाएगा ये सूप तो रेसिपी, ये बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।